बात बात हो जाने के बाद जिंगशी लीशुआ को फिर से वही लेके जाता है और दोनों मिलके बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। पर घर जाते वक्त ये दोनों लड़के लीशुआ को छेड़ने लगते हैं। ऑब्वियसली जिंगशी चुप नहीं बैठता, तो वो जब उन दोनों को रोकने जाता है तब वो दोनों लड़के मिलके जिंगशी को बहुत मारने लगते हैं। लीशुआ बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। पर थैंकफुली पुलिस के आने से वो दो लड़के भाग जाते हैं वहां से। लीशुआ जिंगशी को संभालने लगती है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा डर गई थी, डर की वजह से वो उसे हग ही कर लेती है। होटल आके भी लीशुआ जिंगशी की देखभाल कर रही थी। थोड़ी देर बाद फेंग उनसे मिलने आता है। फेंग के पूछने पे लीशुआ बताती है उसके साथ झगड़ा करने के बाद उसका मूड ऑफ हो गया था, जिंगशी बस उसका मूड ठीक करने गया था। और रास्ते में जब उसे दो लड़के छेड़ने गए तो जिंगशी रोकने गया तो उसको मार पड़ गई। ऐसा लीशुआ इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो फेंग को समझाना चाहती थी कि देखो उसे तो उसकी कोई परवाह नहीं है, पर जिंगशी उसकी कितनी केयर करता है। वो फेंग को और भी ज्यादा बुरा फील करवाने के लिए बोलती है अभी वो यहाँ से चला जाए क्योंकि अभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की केयर लेनी है। फेंग के जाने के बाद जिंगशी मुस्कुरा के कहता है बॉयफ्रेंड? तब लीशुआ कहती है उसके चोट खाए जगह पे फिर से उसे मार खानी है क्या? जिंगशी जब थोड़ा सो के उठता है तब लीशुआ को भी उसके पास ही सोते हुए देखता है। फिर जिंगशी भी धीरे धीरे उसके करीब जाके सोता है और उसे जी भर के देखने लगता है। लीशुआ की नींद टूटने पर वो जब उठने जाती है तब जिंगशी उसे पकड़ के रखता है, उसे उठने नहीं देता। फिर बात करते करते दोनों में रोमांटिक सा कुछ फील होता है और दोनों करीब आने लगते हैं। जिंगशी लीशुआ को पहले किस करता है और फिर बाद में लीशुआ भी जिंगशी को किस करने लगती है। पिछली बार जिंगशी को फेंग समझ के लीशुआ उसके साथ इंटीमेट होने गई थी और आज पूरे होशो आवाज में वो जिंगशी के साथ इंटीमेट होती है। पर पूरे होशो आवाज में इंटीमेट होने के बाद भी लीशुआ को ये बस एक गलती ही लग रही थी। वो जिंगशी के लिए एक नोट छोड़ गई थी जहाँ पे उसने लिखा था उसे अभी भी थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए, इसलिए वो अभी घर चली जा रही है। अब सोचो इतना कुछ होने के बाद भी अगर किसी को अपने फीलिंग्स पर डाउट हो तो ऑपोजिट वाले की हालत क्या हो सकती है। फिंग के ड्राइवर को तो शनशन के पापा भी पसंद करने लगे थे, इवन दादाजी भी। पूरा परिवार मिलके शनशन के साथ फिंग के ड्राइवर की शादी करवाने की सोच रहे थे। शनशन बोलते बोलते थक चुकी थी कि वो बस उसका कलीग था और वो ये सब कर रहा था क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। शनशन को पता था कि उसके पापा को फेंग के बारे में सुन के बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती, इसलिए उसको फेंग के बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वहाँ लीशुआ फेंग के घर बस इसीलिए आई थी क्योंकि उसे बाकी सामान भी यहाँ से ले जाने थे। इसके बाद वो और इस घर में नहीं रहना चाहती थी, पर फेंग ने पहले ही अपने बहन से कह के रखा था लीशुआ को रोकने के लिए। बाद में ये दोनों शनशन को लेके हॉस्पिटल जा रहे थे शनशन के दादाजी को देखने के लिए। लीशुआ के यूं अचानक से आ जाने पे शनशन के दिल में बहुत सारे सवाल उठे थे। लीशुआ बस इतना कहती है कि वो दोनों काम में बिजी थे तो उसे टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो अकेली बहुत बोर हो रही थी इसीलिए वो वापस चली आई। शनशन की क्यूरियोसिटी फिर भी नहीं जा रही थी तो लीशुआ टायर्ड होने की एक्टिंग करने लगती है। अब बेचारी बोलती भी तो क्या, इतनी कांड करके जो आई थी। हॉस्पिटल आने के बाद लीशुआ शनशन से वही मिसेस फेंग वाली बात पे माफी मांगती है, पर हमारी शनशन तो ये बात कब की भूल चुकी थी। लीशुआ के बातों से उसे समझ में आ गया था कि उसे पक्का फेंग से डांट पड़ी थी। वो कहती है उसने फेंग से बार बार मना किया था उसे कुछ बोलने के लिए, फिर भी उसने उसे डांटा। वो बाद में उसकी होके फेंग को डांट देने की बात करती है। लीशुआ कहती है अब उसे समझ में आया कि फेंग उसे क्यों इतना पसंद करता है, वो इतनी भोली है कि किसी को भी उस पर दिल आ जाए। बाद में अंदर आके शनशन जब लियू के बॉयफ्रेंड को देखती है तब हैरान हो जाती है। लियू की मॉम और उसकी बॉयफ्रेंड की हरकत इतनी शेमफुल थी कि कोई भी उनके हरकत से इरिटेट हो जाता। फेंग की बहन और लीशुआ को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था उनका इरादा। बाद में शनशन लियू से जानना चाहती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका पैचअप कैसे हो गया। तब लियू कहती है वो नहीं गई थी उसके पास, वही आया था पैचअप करने। अब जब उसे पता है कि उसके बहन के साथ फेंग का रिश्ता है तो वो अपने फायदे के लिए उसके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है, और वो तो उसके मॉम को जानती ही है। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को मना कर देती तो वो उसे बातें सुना सुना के उसका जीना मुश्किल कर देती। अगले सीन में हम देखते हैं जिंगशी लंदन से लौट के सीधे फेंग के घर चला आता है लीशुआ से बात करने। जिंगशी के दिल में तूफान उठ रखे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लीशुआ ने उसे एक्सेप्ट किया था या फिर रिजेक्ट।
अब लीशुआ को भी खुद नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, तो वो जेंगशी को क्या जवाब देती। वो अपने फीलिंग्स को लेके इसीलिए श्योर नहीं थी क्योंकि उसके साथ इंटीमेट होने से थोड़ी देर पहले भी वो फेंग के बारे में सोच रही थी, उसे पसंद करती थी, तो वो अगले ही पल कैसे जेंगशी को पसंद कर सकती है। इसलिए उसे वक्त चाहिए था अपने फीलिंग्स को लेके श्योर होने के लिए। बात तो सही थी, जेंगशी लीशुआ से पूछता है, उसे ये तो पता है ना कि वो उससे प्यार करता है। लीशुआ हाँ कहती है। तब जेंगशी कहता है कि उसे बस इतना जानना है कि उसका जवाब हाँ में आएगा या फिर ना में। बहुत हिचकिचाने के बाद लीशुआ हाँ में जवाब देती है। फिलहाल तो जेंगशी के लिए इतना ही काफी था, फिर भी वो लीशुआ को कम से कम वक्त लेने के लिए बोलता है। वो कहता है उसे जल्द से जल्द जवाब देना है, नहीं तो वो उसके लिए ज्यादा दिन वेट नहीं करेगा। फिंग को अच्छा फील करवाने के लिए शनशन उसे एयरपोर्ट से रिसीव करने आई थी, और सच में फिंग को बहुत अच्छा लगता है उसे देख के। फिंग शनशन के दादाजी को देखने जाना चाहता था, पर शनशन हिचकिचाने लगती है। फिंग को समझ आने पे वो शनशन को अलग से बात करने ले आता है। फिंग तो शनशन को पूरे शिद्दत से चाहता था, वो जैसी थी फिंग ने उसे वैसी ही एक्सेप्ट कर लिया था। ना ही उसने शनशन की फैमिली बैकग्राउंड देखी थी और ना ही उसकी एडुकेशन क्वालिफिकेशन, वो तो अपनी तरफ से क्लियर था। पर शनशन को हर बार उनके रिश्ते को छुपाते हुए देख वो अपने प्यार पे शक करने लगता है। मतलब उसके प्यार में क्या इतनी कमी रह गई थी कि शनशन को हर बार उनके रिश्ते को छुपाना पड़ रहा था, सबसे छुपाना पड़ रहा था। उसे इस बात से बुरा लग रहा था कि वो अभी तक शनशन को उस पे भरोसा नहीं दिला पाया। अगर शनशन की जगह कोई और भी होती तो शायद वो भी ऐसा ही फील करती। मतलब शनशन एक आम लड़की थी और फिंग एक राजा था, ऐसे रिश्ते से हर किसी को इनसिक्योर फील होती। शनशन के हिचकिचाने से शायद फिंग खुद ही उसके साथ नहीं आया था। बेचारी शनशन, ब्रेकअप के डर से वो अपना प्यार ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं डिनर के वक्त फेंग अपनी बहन और लीशुआ के आने का इंतज़ार कर रहा था, पर उसकी बहन आके कहती है लीशुआ अपने कमरे में ही खाना खाएगी और उसका बंदोबस्त भी कर दिया गया है। फिर जाके फेंग खाना शुरू करता है, पर उसे खाया नहीं जाता क्योंकि उसकी वजह से लीशुआ हर्ट हुई थी और उसने अभी तक लीशुआ से बात नहीं की थी, तो वो उससे बात करने जाता है। लीशुआ अभी भी फेंग से नाराज थी। फिर फेंग उसे समझाने लगता है। वो कहता है उसने उसकी किताब देखी थी, उसमें जो नोट लिखा था उसने वो भी उसने देखा था, पर उस नोट को देखने से या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो हमेशा से ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह देखता था और उसने ऑलरेडी शनशन को चूज कर लिया, ये उसकी चॉइस थी। फिलहाल के लिए तो लीशुआ कहती है कि उसके मुंह से क्लियर जवाब पाके उसे अच्छा लगा, पर असली में उसे कितना अच्छा लगा था ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। फेंग उससे पूछता है अब तो वो नीचे जाके सबके साथ खा सकती है ना, तब लीशुआ भी हाँ कहती है। अगले दिन शनशन फेंग के उस मकान पे आती है जहाँ पे फेंग की बहन ने उसके मॉम और आंटी जी का रहने का बंदोबस्त कर दिया था। अब उसके फैमिली वाले यहाँ पे थे तो इसीलिए शनशन इस घर की साफ सफाई करना चाहती थी। ये आंटी उसे मना करती है पर शनशन को ये करना था। थोड़ी देर बाद वो आंटी बाथरूम के अंदर से शनशन को बुलाती है। वो अंदर आती है तो आंटी जी उससे कहती है कि यहाँ पे दो क्रिस्टल ग्लास था पर अब एक ही दिख रहा है, कहीं उसके फैमिली वालों के पास गलती से चले तो नहीं गए। शनशन उनसे पूछती है क्या ये सचमुच क्रिस्टल की ग्लास है। तब आंटी जी ये पैकेट खोल के दिखाती है जहाँ पे 6 क्रिस्टल ग्लासेस की सेट थे, उनमें से दो बाहर निकाल के रखा गया था और अब उनमें से एक गायब था। शनशन जब उस ग्लास की प्राइस देखती है तब उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसके आधी सैलरी के बराबर थी उस ग्लास का प्राइस। अब इतने महंगे ग्लास के खो जाने से आंटी जी तो परेशान होती ही ना। अब बात तो उन पे आती क्योंकि वो वहाँ पे काम करती थी, सबसे पहले सवाल उन्हीं पे उठते, उनकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए वो शनशन से बार बार रिक्वेस्ट करती है अपने घर वालों से बात करने के लिए, उनसे पूछने के लिए। वैसे शनशन को समझ में आ गया था कि ये हो ना हो उसके आंटी जी का ही काम हो सकता है। वो जब अपनी मॉम से इस बारे में पूछती है तब वो बताती है कि उसके आंटी जी ने ही उस ग्लास को अपने साथ लेके आई थी और उन्होंने देख के उस ग्लास को पार्सल करके भेज भी दिया है। फिर जाके शनशन के जान में जान आती है। उस दिन के बाद से ना तो फेंग शनशन से बात कर रहा था और ना ही शनशन की हिम्मत हो रही थी फेंग से बात करने की।
फेंग के बिना शनशन की जिंदगी एकदम फीकी पड़ जाती थी। शनशन ऑलरेडी फेंग के बहन से माफी मांग चुकी थी। अब जब उसे पता चल गया था कि ग्लास उसी के फैमिली वालों के पास चला गया था और वो पार्सल करके भेजा जा रहा है, तो उसे लगता है कि और एक बार फेंग की बहन को कॉल करके ये बात बतानी चाहिए। शनशन फिर से फेंग की बहन से माफी मांगने लगती है तो वो उसे माफी मांगने से मना करती है। फेंग की बहन को शनशन और उसके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे लगते थे, बहुत इनोसेंट लगते थे, पर शनशन की आंटी जी और लियू का बॉयफ्रेंड उसे कुछ ठीक नहीं लगा। और ऊपर से शनशन के आंटी जी का ये वाली हरकत फेंग के लिए भी ये बहुत एम्बेरसिंग बात थी। मतलब उसके होने वाले ससुराल वालों के बारे में ऐसे शर्मिंदगी भरी बात हो रही थी तो उसे तो शेम फील होना ही था। पर ली शुआ फेंग की हालत देख के अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। शी वाज लाइक, क्यों आ गया स्वाद, मुझे छोड़ के शनशन को चूज किया था ना, अब भुगते। बाद में फेंग सोचता है शनशन ने पहले ही कहा था कि उसकी फैमिली मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शनशन ने अपने आंटी के नेचर के बारे में भी उससे कहा था, पर फेंग के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता था, उसके लिए बस शनशन मैटर करती थी। इस इंसिडेंट के बाद फेंग को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था कि शनशन क्यों उनके रिश्ते को लेके इतना झिझकती है।